एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हेल्पफुल भी है। सो डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है प्लीज डू शेयर विथ योर लव्ड वन जिनकी आप केयर करते हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा जो रिसेंट परचेज है मैटरनिटी वेयर में। दीज आर लॉन्जरीज, बेसिकली ये मैटरनिटी एंड नर्सिंग लॉन्जरीज हैं जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, और आई फाउंड दीज स्टफ रियली हेल्पफुल। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही सही प्रोडक्ट मुझे मिले हैं, और आफ्टर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड इन्हें यूज करने के बाद में, देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आपके साथ भी सारे प्रोडक्ट्स शेयर करने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विद द बेल आइकन, एंड नाउ लेट्स बिगिन। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता है उनको अब मैं बता देती हूँ कि यस आई एम एक्सपेक्टिंग, और बहुत जल्दी एक छोटा सा बेबी आने वाला है हमारी फैमिली में। तो अगर आप मैटरनिटी एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो एंड ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा हमारे दूसरे चैनल पर, हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स पर, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो, जो कि सारी ही लेडीज के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। और आज जो शॉपिंग हॉल में आपको दिखाने वाली हूँ ये मैंने डिफरेंट वेबसाइट से करी है, कुछ मैंने अमेजोन से परचेज करी, कुछ मैंने नायका फैशन से ली है, एंड यहां वहां से कलेक्ट कर रही हैं सारी चीजें। नाउ फर्स्ट प्रोडक्ट इज दीज टू नर्सिंग एंड मैटरनिटी ब्रास। मैं पहली बार इन ब्रास को यूज कर रही हूँ, एंड बहुत सही स्टफ है क्योंकि प्रेगनेंसी का ऐसा पीरियड होता है, इसमें स्पेशली आपको कपड़ों के साथ साथ आपकी लॉन्जरी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सही तरीके के कपड़े आपको पहनने चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, चेंजेस होते हैं। मैंने यूमॉम से ये फीडिंग ब्रा परचेज करी है, ये मैंने दो डिफरेंट कलर में ली है, वन इज ब्लैक एंड वन इज व्हाइट। इस तरह के पैकेज में आपको ये रिसीव होता है, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। दिस इज अ ब्रा, इस तरीके की है ये नर्सिंग ब्रा, विदाउट पैडेड है। आप अलग से एक ब्रेस्ट पैड इसमें लगा सकते हो जो कि लीकेज के लिए आता है। इसका जो मटेरियल है वो काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है, स्ट्रेचेबल है, बहुत सॉफ्ट है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने इनामर ब्रांड के इनरवेयर यूज किए थे, बट वो इतने कम्फर्टेबल नहीं थे जितना ये है। तो इसमें आप देख सकते हैं पीछे आपको ब्रॉड बैंड मिलता है जो कि पूरा सपोर्ट देता है आपके ब्रेस्ट को एंड बैक को। यहाँ से आपको मिलता है ये डिटैचेबल क्लिप है जिससे कि आप इसके फ्रंट कवर को डिटैच कर सकते हो, और इस तरीके से ओपनिंग आती है कि पूरे ब्रेस्ट पे एडजस्ट हो जाती है, और बच्चे को आप इसे ओपन करके फीड करा सकते हो। ऑल्सो इसमें इस तरह का बैंड दिया हुआ है विच इज सो स्मूथ, स्ट्रेचेबल है, अपने हिसाब से आप इसकी जो यहाँ से लेंथ है वो एडजस्ट कर सकते हो। इसके नीचे वाले जो बैंड है आप यहाँ देख सकते हैं ये भी ब्रॉड है, इसमें अलग से कोई और बैंड नहीं लगाया हुआ है, फैब्रिक का ही बनाया हुआ है। ठीक इसी तरीके से मैंने सेम ब्रा परचेज करी है ब्लैक कलर में भी, तो ये ब्लैक कलर में, इसमें आपको बीच कलर एंड पिंक कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो आप ले सकते हो अपने हिसाब से। राइट नाउ मैं 36B साइज में पहन रही हूँ, और ये साइज एक्चुअली बढ़ते ही जाते हैं, इंक्रीज होते ही जाते हैं एवरी वीक। तो आप छोटा साइज नहीं पहनिए या फिर एग्जैक्ट साइज जो अभी आप पहन रहे हैं वो बिल्कुल ना पहने, उससे थोड़ा सा प्लस आप लेके चलें, और इसमें इतना ईज होती है ना कि आप आराम से इसको लॉन्ग टाइम तक कैरी कर सकते हो। इन मैटरनिटी ब्रास का प्राइस है 975 रुपीज, और अमेजोन पर कुछ डिस्काउंट भी मुझे मिला था तो एग्जैक्ट प्राइस मैं शेयर कर दूंगी स्क्रीन पर। इसके बाद नेक्स्ट मैटरनिटी एंड नर्सिंग ब्रा है जो मैंने परचेज करी है नेकेड बाय नायका से। ये मैंने आपको एक मैटरनिटी हॉल में भी दिखाया था जो मैंने हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स पे शेयर किया था। दिस इज अ ब्रा, बहुत ही प्यारी सी पिंक कलर की ब्रा है, सामने से इस तरीके का ओवरलैप पैटर्न बनाया हुआ है, इसमें कोई और बैंड नहीं मिलता, कोई हुक नहीं मिलता, आपको ऊपर से इसे पहन लेना है। इसका जो बेनिफिट है वो है इसका फैब्रिक, आप देखो बहुत स्मूथ एंड स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, बैंड भी इसके काफी ज्यादा स्मूथ है, स्ट्रेचेबल है, फ्लेक्सिबल कपड़ा इसमें यूज हुआ है, एंड सामने से जो ये डिजाइन बनाया हुआ है ना पूरा कर्वी फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें कोई अलग से आपको स्टिचेस नहीं मिलती हैं। आप जब इसे कैरी करोगे ना तो बहुत अच्छा शेप क्रिएट होता है, बहुत कंफर्टेबल भी फील होता है आपको ब्रेस्ट पर। ऑल्सो जब आप फीड कराने वाले हो बेबी को तो यहाँ से आपको जस्ट ये पैनल को जो ओवरलैप किया हुआ है इसे आपको ऐसे रिमूव करना है और आप बच्चे को फीड करा सकते हो। इसका एक बेनिफिट और है, जब आप कोई टॉप वगैरह कैरी करते हो प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के बाद भी, तो ऊपर से बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है कि आपने कुछ अलग से मैटरनिटी ब्रा कैरी करी है। सो इसका प्राइस था अराउंड 700 रुपीज। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट ब्रा है दैट इज फ्रॉम द ब्रांड ज़िवामे, तो ये भी मैंने नायका फैशन से ही परचेज कर रही है, बट ये आपको नायका पे भी मिल जाएगी और अमेजोन पे भी मिल जाएगी, एंड ऑल्सो ज़िवामे पे तो अवेलेबल है ही। यहाँ आप देख सकते हैं ये
जीवामी का ट्रू कर्व मैटरनिटी ब्रा है जो कि आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेचेबल है। यहाँ पर कोई और आपको बैंड नहीं मिलता है, ये कर्वी डिजाइन दी हुई है। सामने से पैटर्न कुछ ऐसा है, बोथ साइड इसमें कोई पैड नहीं, नॉन पैडेड नॉन वैड ब्रा है। आपको बेसिकली नॉन पैडेड एंड नॉन वैड ही पहनना चाहिए जिससे कि ब्रेस्ट को बहुत कंफर्ट फील होता है और ब्रीदेबल भी फील होता है। आपको सफोकेशन भी नहीं फील होगी जब आप इस तरह की ब्रेस कैरी करेंगे। तो इसमें मैंने परचेज किया है 36DD साइज मैंने लिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो बैंड लगाया हुआ है, बैंड इज सो गुड, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, स्ट्रेचेबल है, अच्छा खासा स्मूथ भी है। बैक साइड से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सामने आपको एक डिटैचेबल हुक मिलता है, इसे आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करके आप कुछ इस तरह से जब पहनेंगे तो यहाँ से आप बच्चों को फिट करा सकते हो। और ऑल्सो ऑन द बैक साइड इफ यू कैन सी, ये जो आप देख रहे हो बैंड, ब्रॉड बैंड दिया हुआ है। नीचे का जो बैंड इस पे लगाया हुआ है सपोर्ट बैंड, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत सॉफ्ट है और ब्रॉड बैंड है। तो ब्रॉड बैंड वैसे ही आपको बहुत सपोर्ट देता है, स्पेशली हैवी ब्रेस्ट में बहुत सपोर्ट देता है। प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इसमें बेसिकली आपको तीन हुक मिलते हैं और आप चाहो तो फ्यूचर में ब्रा बैंड एक्सटेंडर का भी यूज कर सकते हो। अंदर साइड से आप देखो तो इस तरह का पैटर्न बनाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इसके बाद माय नेक्स्ट ब्रा इज फ्रॉम द ब्रांड मदरली। ये भी मैंने अमेजोन से परचेज करी है, काफी अच्छा ब्रांड है ये प्रेगनेंसी आउटफिट के लिए एंड लॉन्ड्रीज के लिए। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और स्पेशली ये नर्सिंग के लिए एंड मैटरनिटी के लिए ही बनाया हुआ है। इसमें आपको डिटैचेबल ब्रेस्ट पैड भी मिलता है, तो आपको पैडेड ब्रा वाली फील अगर चाहिए तो आप ये वाली ब्रा परचेज कर सकते हो। आप चाहो तो इसका जो ये पैड है वो यहाँ से आप रिमूव करके इसे वॉश भी कर सकते हो और विदाउट पैड भी आप इस ब्रा को यूज कर सकते हो। इसमें और जो सामने पैटर्न आप देख रहे हो काफी ब्रॉड है, पूरा फुल कवर आता है, यहाँ से शेप भी बहुत अच्छा क्रिएट होता है। ऑल्सो यहाँ से आपको मिलता है बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड कम्फर्ट भी मिलता है। ऑल्सो बैक साइड पे आप देखो तो ये जो यू शेप बनाया हुआ है ये पीछे बैक से भी बहुत सपोर्ट देता है। जो रेसर बैक वाले टॉप एंड ब्राज होती हैं उसमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है आपको जब भी आप कैरी करते हो नॉर्मल ब्रा के कंपैरिजन में। सेम थिंग यहाँ पर भी होती है, जब आप इसे कैरी करोगे ना तो ये जो पैटर्न बनाया हुआ है ये बैक पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाला है। बैक से आपको पूरा ऐसा लगेगा कि अच्छे से कुछ लिफ्ट करके रखा है आपने, स्पेशली लास्ट के टाइम पे बहुत हैवी ब्रेस्ट हो जाते हैं जब आप फीड कराते हो बच्चों को, तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है इस तरह की चीजों को कैरी करने में। बट इसमें आपको ऐसा कुछ फील नहीं होने वाला है। पीछे से बैंड पे आपको फोर हुक मिलते हैं, यहाँ पर फोर लेवल हुक हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कुछ भी अलग से एक्सटेंडर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये आगे भी काम आने वाला है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेचेबल मटेरियल इसमें यूज हुआ है। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। शोल्डर बैंड भी इसका काफी अच्छा है, बहुत स्मूथ एंड स्लीक है। पीछे से आप इसे इसकी लेंथ एडजस्ट कर सकते हो। सामने यहाँ पे हुक दिया हुआ है तो यहाँ से आप हुक रिमूव करके और यहाँ से फिट करा सकते हो। बोथ साइड आपको ऐसे ही मिलता है। अंदर से आप देखें तो ये कुछ इस तरीके का है मटेरियल। सो इसमें मैंने एक्सेल साइज परचेज किया और इसका प्राइस भी अराउंड 1200 अराउंड था, बट ये डिस्काउंट के बाद आपको मिल जाता है 800 रुपीज के अराउंड। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ पैंटीज। सेट ऑफ टू पैंटीज मैंने ली है नेकेड बाय नायका ब्रांड से ही। इस तरह की पैंटीज हैं, हाई वेस्ट में है और कर्वी डिजाइन इस पे दिया हुआ है। बेली पे आप देख सकते हो कितना क्यूट सा डिजाइन बनाया हुआ है, लेस वगैरह भी लगाया हुआ है। मटेरियल इसका बहुत सॉफ्ट ब्रीदेबल है, फ्लूड मटेरियल है एंड स्ट्रेचेबल भी है। जो वेस्ट पे इस पे बैंड लगाया हुआ वो भी काफी स्ट्रेचेबल और स्मूथ है। बैक साइड से आप देखेंगे तो पूरा फुल कवर आता है, पूरे हिप को पूरे बैक को पीछे से ये पूरा कवर कर लेता है। और इस टाइप की जो पैंटीज होती है ना ये फाइनल ट्रिमेस्टर में बहुत हेल्प करती है, जबकि बैली इतना हैवी हो जाता है कि कोई भी पैंटी अच्छे से फिट नहीं आती, सब नेवल से नीचे ही आती है। तो वहां पर आपको ये वाली पैंटी बहुत हेल्प करने वाली है। कट पैटर्न में है एंड ऑल्सो इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो एंटी बैक्टीरियल मटेरियल है, तो इसमें आपको किसी भी तरह की प्राइवेट पार्ट पे इचिंग वगैरह नहीं फील होगी और ऑर्डर भी फील नहीं होगी। इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाएंगे वेबसाइट पे। मैंने जो कॉम्बो लिया है उसमें मुझे पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन मिला है और जो ब्लू वाला है वो भी सेम है, बिल्कुल सेम है, सेम स्टाइल दिया हुआ है बट ये ब्लू कलर में है। ये जो कॉम्बो था ये मुझे 600 रुपीज का मिला है। सो ये एक मस्ट हैव पैंटी ऑप्शन है जो आपको परचेज जरूर करना चाहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज वन मोर मैटरनिटी पैंटी जो कि मैंने मॉफ ब्रांड की ली है। ये भी मैंने नायका फैशन से ही परचेज करी है। इस तरह की पैंटी है ये, हाई वेस्ट पैंटी, सामने कोई अलग से कपड़ा नहीं लगाया है, बस गैदर्स बनाया हुआ है, स्ट्रेचेबल वेस्ट है। इसे मैंने एक्सेल साइज में परचेज किया है, ये वाली भी एक्सेल साइज में, बट ये मुझे फाइनल ट्रिमेस्टर में अच्छे से आने वाली है। और अगर इस ब्रांड में आप पैंटी परचेज कर रहे हो तो इसमें हमेशा ही आप एक साइज प्लस में लेके चलो,
क्योंकि अभी तो एक्सेल साइज मुझे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बट अभी मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, बट थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे इसका एक प्लस साइज परचेज करना पड़ेगा। सो ये वाले जो पैंटीज हैं, ये अभी मैं करेंटली डेली वेयर में यूज कर रही हूँ, रेगुलरली यूज कर रही हूँ। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ इसकी क्वालिटी से। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, ब्रीदेबल मटेरियल है, स्किन फ्रेंडली है, और यहाँ पर आपको मिलती है एंटी बैक्टीरियल लेयर भी, से एक लेयर मिलती है इस जगह पर। तो ये जो लेयर लगाई हुई है, इससे आपके प्राइवेट पार्ट पे इचिंग वगैरह नहीं होती है, और डिस्चार्ज वगैरह अगर आपको होता है तो उससे कोई ऑर्डर भी आपको फील नहीं होगी, जो कि जनरली प्रेगनेंसी में होती है, और आप पूरा दिन आराम से इस पैंटी को पहन करके रह सकते हो। इस पे भी मैंने कॉम्बो परचेज किया है, एक स्किन कलर में है और एक ब्लू कलर में मुझे मिला है। तो इस तरह के कॉम्बोज अवेलेबल हैं। ये मुझे अराउंड 699 में आया था, और इन सारे ही प्रोडक्ट का परचेज लिंक मैं शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो चेक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, दिस इज इट, एंड आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा, पसंद भी आया होगा। और वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताना मत भूलिएगा, और अगर आप इस तरह के कोई और वीडियोस भी देखना चाहते हैं, सपोज मैटरनिटी स्टाइलिंग पर या फिर क्लोथिंग हॉल वगैरह, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके साथ में वो सारी चीजें, सारे आइडियाज शेयर कर पाऊँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।